observance of the Janajatiya Gaurav Divas, we now bring you a message by Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. ये आकाशवाणी है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। सभी देशवासियों को मैं जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देती हूँ। हम सब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के साल भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्य रूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। 2 वर्ष पहले झारखंड राज्य में स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उलिहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा उलिहातू की पहली यात्रा थी। इससे जनजातीय समाज के लोगों को बहुत खुशी हुई। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया। प्यारे देशवासियों, 18वीं सदी से ही जनजातीय समाज ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का संगठित विरोध किया था। वर्ष 1855 में संथाल हुल का नेतृत्व करने वाले बहादुर भाइयों सिद्धू कानू और चांद भैरव के साथ फूलो जानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी असाधारण साहस का परिचय दिया था। जब मैं झारखंड में राज्यपाल थी तब उरीमारी गांव में जाकर वीर महानायक को सिद्धू कानू की प्रतिमा को अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला था। बस 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के इस निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। जनजातीय लोगों के गौरवशाली योगदान से देशवासियों को परिचित कराने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय महानायकों की स्मृति में देश के विभिन्न क्षेत्र में संग्रहालय बनाया जा रहा है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय एक तीर्थ स्थल की तरह सम्मानित हो रहा है। राष्ट्रपति भवन में भी जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। प्यारे देशवासियों, मैं तिलका मांझी तथा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियां सुनते हुई बड़ी हुई हूँ, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भलीभांति परिचित होने लगे हैं। युगों युगों से जनजातीय समाज के लोग हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि बनाते रहे। रामायण की कथा में हमारे समाज के शाश्वत जीवन मूल्य दिखाई देती है। अपने लंबे वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्री राम ने वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्री राम को अपनाया। जनजातीय समाज का ये अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। प्यारे देशवासियों, मुझे ये साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि जनजातीय भाषा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयासों में मेरा भी योगदान था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये संभव हुआ था। स्वाधीनता के कई दशकों के बाद भी जनजातीय समुदाय के अधिकांश लोगों को अपना घर न होने तथा बिजली पानी सड़क जैसा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन
बिताना पड़ता था। बीमारी की हालत में इलाज के खर्च का बोझ उनके जीवन को और कठिन कर देता था। उनके लिए विकास के रास्ते भी सुगम नहीं थे। जनजातीय समाज के भाई बहन अपनी सदियों पुराने कला विरासत के बल पर बहुत सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कुछ ऐसे कानून थे जिनसे जनजातीय लोगों के कुछ उद्यमों पर रोक लग गई थी। साथ ही अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी और सुविधाओं की कमी उनके विकास से बाधक थी। इस प्रकार आवास, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार की आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण वे लोग विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। लेकिन अब इन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, साथ ही उनके लिए आर्थिक विकास के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत बड़े पैमाने पर अनेक अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास और कल्याण के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनजातीय समाज तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के विशेष उपाय किए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लिए अलग से विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। देश के लगभग 750 जनजातीय समूह के लोग हमारे लिए विशेष स्थान रखते हैं। इनमें पीवीटीजी समूह की संख्या 75 है। वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। पिछले वर्ष जून में मैंने देश के पीवीटीजी समुदाय के भाई बहनों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। उनके साथ मैंने काफी समय बिताया था तथा उनकी समस्याओं के समाधानों पर बातचीत की थी। राष्ट्रपति भवन में सभी क्षेत्र व राज्यों के जनजातीय समूहों से मैं मिलती रही हूँ। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की अपनी यात्राओं के दौरान मैं वहाँ के जनजातीय समुदाय पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। मैं जनजातीय बहनों से भेंट करने को विशेष प्राथमिकता देती हूँ। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि बड़ी संख्या में हमारी जनजातीय बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तथा अन्य माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के लाभ सभी जनजातीय लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किए गए पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य देश के पीवीटीजी समुदाय के लोगों का व्यापक विकास करना है। इस अभियान के तहत 26,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से 3 वर्ष की समय सीमा के पहले ही अनेक सुविधाओं को पीवीटीजी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही केंद्र सरकार द्वारा धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ किया गया है। लगभग 80,000 करोड़ रुपया की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के द्वारा हर जनजातीय गांव जुड़ सके। सभी जनजातीय परिवार के पास अपना पक्का घर हो। विकास और कल्याण के इस अभियान से लगभग 63,000 जनजातीय गांव लाभान्वित होंगे। इस देशव्यापी अभियान से 5 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचेगा। प्यारे देशवासियों, जनजातीय बच्चों को अच्छे शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है। मैंने कई एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखी है और अन्य अनेक विद्यालयों का उद्घाटन किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि 30 लाख से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी स्कॉलरशिप दी जा रही है।
जनजातीय समाज के युवा सिविल सर्विसेज में, मेडिकल और इंजीनियरिंग में तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के तहत जनजातीय समाज से सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है। ये तथ्य उल्लेखनीय है कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्रवाई योजना हेतु धनराशि के आवंटन में पिछले दशक के दौरान कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 13,000 करोड़ रुपया का है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 74% अधिक है। जब हमारे जनजातीय भाई बहन विकसित होंगे तभी हमारे देश भी सही अर्थ में विकसित होगा। जनजातीय समाज के लोगों की तेज गति से प्रगति हो, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है कि जनजातीय समाज की सदियों पुरानी पहचान बनी रहे और साथ ही उनका आधुनिक विकास भी होता रहे। प्यारे देशवासियों, मैंने जनजातीय समाज के दुख दर्द को केवल देखा ही नहीं है, खुद महसूस भी किया है। जनसेवा की मेरी यात्रा का आरंभ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य के रूप में हुआ था। आप जनजातीय लोगों के जीवन को बेहतर होता देखकर मुझे खुशी होती है। जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को अधिक मान्यता भी मिल रही है। जनजातीय समुदाय के लगभग 100 लोगों को बीते 10 वर्षों के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अनेक राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रीगण तथा उच्च पदों पर आसीन अनेक व्यक्ति जनजातीय समाज से आते हैं। जनजातीय समाज के लोगों सहित सभी देशवासियों का जो अपार स्नेह मुझे मिलता है वो मुझे कभी कभी भावुक बना देता है। मेरी इस भावुकता के पीछे आज की ये सुखद सच्चाई भी है कि जनजातीय भाई बहनों और युवाओं के लिए आज विकास का खुला आसमान उपलब्ध है। ये जितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहे समाज और सरकार उनके साथ है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार, जोहार। आई कन्वे माय ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। वी आर कमेंसिंग द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा। On behalf of all the fellow citizens, I pay my respectful homage to the sacred memory of Bhagwan Birsa Munda. I observe a new consciousness being spread across the country for tribal pride and the ideals of the Constitution. This consciousness is being transformed into action. This spirit will become the foundation of the bright future of the entire country, including the tribal society. 2 years ago, I had the privilege of visiting Bhagwan Birsa Munda's village Ulihatu in Jharkhand and offering flower tribute to his statue. Last year, on the occasion of Janajatiya Gaurav Divas, Prime Minister Sri Narendra Modi ji also visited Ulihatu and sought the blessings of Bhagwan Birsa Munda. That was the first visit of any Prime Minister to Ulihatu. This made the people of the tribal society very happy. On the same day, PM Janajati Adivasi Nyay Maha Abhiyan, that is PM Janman, was launched from Jharkhand. Dear fellow citizens, since the 18th century, the tribal society had waged organized revolt against the injustices of the British rule. Along with these brave brothers, Sidhu Kanu and Chand Bhairo, who led the Santal Hul in the year 1855, the brave sitters Phulo Janu also showed extraordinary courage. When I was the governor of Jharkhand, I had the privilege of visiting the village Urimari and unveiling the statue of the great heroes Sidhu Kanu.
Since the year 2021, the government of India has started the tradition of celebrating Janajatiya Gaurav Divas every year on 15th November on the occasion of the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. No praise is too high for this decision to express respect for the tribal communities. Many steps are being taken to make the people aware of the glorious contribution of the tribal communities. Museums are being built in various parts of the country in memory of tribal heroes. The Museum of Bhagwan Birsa Munda in Ranchi has become a site of pilgrimage. The museum named Janajatiya Darpan has also been developed in Rashtrapati Bhavan. Dear fellow citizens, I grew up listening to the stories of many tribal heroes from Tilka Majhi and Bhagwan Birsa Munda to Lakshman Naik. But people in general did not know much about those great heroes. Due to the efforts of the government, people have now become well acquainted with the stories of tribal freedom fighters. For ages, people of tribal society have been enriching the civilization and culture of our country. The eternal life values of our society are visible in the story of Ramayana. During his long exile, Prabhu Sri Ram lived with the people of the tribal society like one of them. Prabhu Sri Ram adopted the forest dwellers and the forest dwellers adopted Prabhu Sri Ram. This spirit of affinity and harmony found in the tribal society is the basis of our culture and civilization. Dear fellow citizens, I am happy to share that I also contributed to the efforts to include the tribal language Santali in the 8th schedule of the constitution. This was made possible during the tenure of respected Atal Bihari Vajpayee. Even after several decades of independence, most of the people of the tribal communities led their lives with a lot of difficulties due to lack of their own houses and basic facilities like electricity, water and roads. In case of illness, the burden of medical expenses made their life even more difficult. The path to development was also not easy for them. The people belonging to the tribal communities make very beautiful products as they have centuries-old art heritage. There were some laws which banned certain enterprises of the tribal people. Also, lack of information and facilities about marketing their products was an obstacle. Thus, due to the lack of basic needs like housing, transport, medical care, education and employment, those people remained away from the mainstream of development. But now, these facilities are being provided to them. Their standard of living has improved. Along with this, opportunities for economic development are also increasing for them. The present government is taking forward the journey of tribal development and welfare at a fast pace. Many campaigns and programs are being implemented on a large scale. Special measures have been taken to provide all facilities to the tribal people in all national programs of development and welfare. Apart from this, special schemes are being implemented for the benefit of the tribal communities. The people of about 750 tribal groups of the country hold a special place for us. Among these, the number of PVTG groups is 75. They live in different regions of the country. In June last year, I had invited the people belonging to the PVTG communities to the Rashtrapati Bhavan. I spent a lot of time with them and discussed the solutions to their problems. I have been meeting tribal groups from all regions and states in the Rashtrapati Bhavan. During my visits to different states and union territories, I participate in programs focused on the tribal communities there, and I interact with them. I give special priority to meeting our tribal sisters
I am happy to see that a large number of our tribal sisters are achieving economic self-reliance through self-help groups and other means of growth. More and more opportunities for development are opening up for them. It is being ensured that the benefits of major national schemes reach all tribal beneficiaries in a timely manner. The PM Janman Abhiyan, launched by Prime Minister Sri Narendra Modi ji on the day of Janajatiya Gaurav Divas last year, aims to bring about comprehensive development of the people of the PBTG communities. Under this campaign, a target has been set to provide many facilities to the people of the PBTG community before the time limit of 3 years, with an expenditure of more than rupees 24,000 crore. This year, on 2nd October, the birth anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi, the central government has launched the Dharti Aba Janjati Gramo Utkarsh Abhiyan from the land of Bhagwan Birsa Munda. The objective of this campaign, with an allocation of rupees 80,000 crore, is to ensure that every tribal person should get the benefit of government schemes. Every tribal village should be connected through roads and mobile connectivity. All tribal families should have their own house. About 63,000 tribal villages will benefit from this campaign of development and welfare. More than 5 crore tribal people will benefit from this nationwide campaign. Dear fellow citizens, more than 700 Ekalavya model residential schools are being built in the country to provide good education to tribal children. I have laid the foundation stones of many Ekalavya schools and inaugurated many other schools. It is a matter of happiness that more than 30 lakh tribal students are getting scholarships. Scholarships are also being given for studying abroad. Youth of tribal society are joining the civil services, medical and engineering, and other fields. The target of eliminating sickle cell anemia from the tribal society is included under the goal of building a developed India by the year 2047. It is noteworthy that the allocation of funds for the Development Action Plan for Scheduled Tribes has increased manifold during the last decade. The budget of the Ministry of Tribal Affairs for the year 2024-25 is Rs. 13,000 crore. This is 74% more than last year's budget. Our country will become truly developed only when our tribal people also become developed. Fast-paced progress of the people of the tribal communities is our national priority. We want that the centuries-old identities of the tribal communities remain intact, and at the same time, they continue to march ahead on the path of modern development. Dear fellow citizens, I have not only seen the pain and suffering of the tribal society, I have also felt it myself. My journey of public service began as a member of the tribe's advisory council. Now I feel happy to observe improvement in the lives of tribal communities. The talented people among the tribal communities are also getting greater recognition. About 100 people from the tribal communities have been honored with Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri awards during the last 10 years. Governors and chief ministers of many states, ministers in central and state governments, and many people holding high positions are from the tribal communities. The immense love that I get from all the fellow citizens, including the people of the tribal communities, makes me emotional at times. Behind this feeling of mine is also the pleasant truth that today, sky is the limit for the development of the people belonging to the tribal communities. No matter how high they aspire to fly, the society and the government
are fully committed to supporting them. With this hope and confidence, I congratulate all the fellow citizens on Janajatiya Gaurav Divas. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. In observance of the Janajatiya Gaurav Divas, you were listening to a message by Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu. जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।